हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल ओ पी एपी एंड आप सभी का मोस्ट वेलकम वेट डे आर ताजी कोर से। और आज आपको बिल्कुल यूनिक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जो वर्ल्ड में पहली बार हुआ है, जो ऑल इंडिया में इस टेक्निक का यूज पहली बार सफलतापूर्वक किया गया है, और इस ब्रीड में, मारवाड़ी ब्रीड में, ऑल वर्ल्ड में पहली बार हुआ है। तो आपको दिखाते हैं। नेशनल रिसर्च सेंटर है बीकानेर का, वहाँ पे हम आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ही महंगे महंगे हॉर्स यहाँ पे रहते हैं, दो दो तीन तीन करोड़ के भी हॉर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे साथियों। तो आपको दिखाते हैं कि ऑल वर्ल्ड में पहली बार कैसे मारवाड़ी घोड़े में राज प्रथमा को जन्म दिया है, और कैसी है वो, और क्या प्रोसेस रही है उसकी, कैसे उसको प्राप्त किया गया है, और क्या बेनिफिट है आने वाले समय में इस चीज़ के, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों ये। तो वो पूरा आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे डॉक्टर सज्जन चौधरी बोस यहाँ पे जॉब करते हैं, और यहाँ पे उनका रिसर्च प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और उनकी टीम के द्वारा, उनके द्वारा ही इस घोड़े में, मारवाड़ी घोड़े में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया गया था, और फर्स्ट बार एम्ब्रियो एकदम बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है, और बिल्कुल स्वस्थ बच्चा दिया है मारवाड़ी घोड़े ने राज प्रथमा। वो आपको दिखाएंगे कि वो स्वस्थ है या नहीं है, कैसा है, वो बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं। और हॉर्स का मिल्क एंड बाई प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, वो भी आपको बताएंगे उसके बारे में भी। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप के एंड लास्ट तक ज़रूर देखें साथियों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथियों, क्योंकि बहुत यूनिक जानकारी है। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर लाइफ टाइम आपको सही, सटीक, यूनिक और एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम अब हम डॉक्टर सज्जन चौधरी हर प्रकार की समस्या के पहले समाधान की वीडियो को आप लाइक कमेंट शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट ईयर 15 एम्ब्रियो ब्लड किए थे, 10 किए थे उसमें से, और ये 69 नंबर बॉडी थी। ये हमने फिर से वहीं से मतलब किया था एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिसमें ये जो रियल मेल मदर थी वो 252 नंबर, और वो शायद था 87 नंबर या बॉय, उसका एम्ब्रियो हमने 7.5 डे पर फ्रेश किया, और फ्रेश करने के बाद में बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सक्सेसफुल कंसीव हुई, और हमें ये फिलिप प्रोड्यूस की है, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम है, और इवन मारवाड़ी होस्ट में तो फर्स्ट टाइम है, तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होगी, क्योंकि मारवाड़ी होस्ट ओनली इंडिया में मिलते हैं। इस फिल्ली का नाम है राज प्रथमा, जो दो दिन पहले इसकी मतलब पोली हुई है। इसमें होता क्या है कि तब्बड़ को दो मेज को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, मतलब सेम डे पे उनका ऑडिशन होना चाहिए। तो जो एक बॉडी होती है, जो डोनर होती है, उसको दम मतलब कंसीव करा देते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी से या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, और दूसरी बॉडी जो है जिसको हम छोड़ देते हैं, मतलब जिसका सेम डे पर ऑडिशन हुआ होता है। उसके बाद में 7.7 डे या 7.5 या 8 डे पे हम उसकी फ्लशिंग करते हैं, मतलब यूट्रस के अंदर एक मीडिया इंफ्यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम उसका मतलब जो एम्ब्रियो है 7.5 डे या 7 डे का, वो हम रिसीव करते हैं। सेरेगोट मतलब जो मतलब 7 में 7.5 थी उसमें, या रेसिपेंट वेयर में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे रेसिपेंट में ये 248 नंबर थी, उसमें हमने ट्रांसफर किया, और ये दो दिन पहले हम खोली हुई है, जो इसका बोला ईमेल दिया, तो आप देख ही रहे हैं। और बहुत से इससे अब आगे क्या बेनिफिट है अपने देश को, क्या बेनिफिट है कि जैसे कुछ घोड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि मतलब नेचुरली रिकवरी नहीं करा पाती, या मतलब नेचुरल वो कंस्यूम नहीं कर पाती, या इसके तो एक बेनिफिट है कि वो नॉन फर्टाइल होती हैं, तो उसके अंदर अपन डायरेक्ट एम्ब्रियो करके डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको एक सेलिब्रेट मदर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और कुछ से घोड़ियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं, मतलब जिसके अपने करेक्टर की अपन उसके एम्ब्रियो दूसरी घोड़ी में बढ़ा के दूसरी घोड़ी में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसकी अच्छी क्वालिटी के गुण हैं वो उस बच्चे में आ जाएंगे। तो क्योंकि एक टाइम में अपन एक 11 महीने से घोड़ी की मतलब जो गेस्टेशन पीरियड 11 मंथ होता है, तो 11 महीने उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, अपन मतलब एम्ब्रियो कलेक्ट करके उसको दूसरी घोड़ी में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसी कोई सही है। 11 महीने बाद 7-8 मतलब 21 दिन एम्ब्रियो कलेक्ट करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और इनके दूध वगैरह के बारे में थोड़ा बताओ। देखो यहाँ पर अपने एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें गद्दी का दूध मतलब का यूज़ या उसके बारे में, क्योंकि इंडिया में
या वर्ल्ड में ये मानो, मतलब इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, तो इसको बचाने के लिए इसके बाय प्रोडक्ट का या इसके प्रोडक्ट का यूज़ करना ज़रूरी है। अदरवाइज प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो मतलब उसको क्या बेनिफिट है, कौन रखेगा, कौन सामान रखी है। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मतलब डंकी मिल्क पर काम कर रहे हैं। तो डंकी मिल्क में कुछ अच्छे करेक्टर मिलते हैं, जैसे कि एंटी रिंकल प्रॉपर्टी मिलती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मिलती है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मिलती है, जिसकी वजह से उस मिल्क की काफ़ी डिमांड है। अपने इस रीजन में नहीं है लेकिन साउथ रीजन में या फॉरेन कंट्री में काफ़ी डिमांड है। तो बस 1600 रुपये से लेकर 2000 रुपये पर लीटर के हिसाब से गद्दी का मिल्क मतलब कम उसकी प्राइस है। और उसका पनीर है, पनीर का मोस्टली कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट में यूज़ होता है, उसकी कीमत है 50 से 60 हज़ार रुपये पर किलो के हिसाब से वो मिलता है। और ये कौन सा और से जो आ रहा है सामने? ये हमने दो सेकेंड गोली हमने वो मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, जो भी वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि अभी तक सारे फ्रेश सीमन से ही एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हैं। ये पर्सनल सीमन से बात करते हैं, ये अभी 6 मंथ प्रेगनेंट है।